अगली बॉल अंकित की बहुत तेज बॉल और कैच, बॉल पर 2 रन हो चुके हैं। तीसरी बॉल और ये कैच है पर नहीं पकड़ेगा। बहुत तगड़ा मुकाबला जिन्हें कैर पर पा रखा असू। यहाँ पर बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है, सब पर रन मार रहा, सब पर रन मार रहा। आज बेहतरीन वर्सेस बेहतरीन अंकित के साथ आज मुकाबला उसका उमरान मलिक और ये देखिए असू का मुकाबला। ओ भाई, और एक बेहतरीन मैच शुरू होने जा रहा है असू वर्सेस अंकित जगरुल्ली की। और ये पहली बॉल है 6 रन और फर्स्ट बाउंस, पहली बॉल पर छक्का लगा दिया। 130 रन टारगेट है असू का भाई, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, दोनों बल्लेबाज और बॉलर दोनों खतरनाक है। पहली बॉल छक्का लगने के बाद दूसरी बॉल अंकित की और ये तेज बॉल और कैच और ये 4 रन नहीं छूटा गया, कैच 4 रन हो चुके हैं। फील्डर चेंज नहीं बता, 9 बॉल हो चुके हैं, 1 बॉल पर 10 रन और ये देखते हैं क्या होता है। तेज बॉल डॉट बॉल, 2 बॉल पर 10 रन हो चुके हैं। तीसरी बॉल और ये कैच है पर नहीं पकड़ेगा वो फील्डर, नहीं पकड़ेगा और ये पकड़ लिया भाई, चमत्कार हो गया। 3 बॉल 10 रन, इसमें एक एक्स्ट्रा बॉल फेंकी है और ये फुल टॉस बॉल और ये डॉट बॉल। अगली बॉल और ये बहुत तेज बॉल और ये 4 की तरफ जा रही है पर डॉट बॉल, कोई चौका नहीं हुआ। फील्डर आज बहुत ही कमजोर खड़े हैं, कोई भी फील्डर अच्छा नहीं है क्योंकि आज ये आपस में ही मैच चल रहा है। और ये बेहतरीन शॉट और देखते हैं फील्डर है मौजूद पर नहीं कर पाएंगे, ये 4 रन हो जाएंगे। और अच्छी फील्डिंग नहीं हुए 4। और पहली बॉल पर 10 रन खाने के बाद की 5 बॉल पर अच्छी मेहनत की और डॉट बॉल निकाली, 1 ओवर में 10 रन खर्च किए हैं और बॉल जा रही है सीमा रेखा के बाद 4 रन। 14 रन हो चुके हैं और ये बहुत तेज बॉल थाई पर लगी है डॉट बॉल। दूसरे ओवर की 2 बॉल, अगली बॉल लेकर चले हैं अंकित और ये कैच उठा दिया है कीपर है नीचे और ये बेहतरीन कैच रोहित का, बहुत अच्छा कैच। अगली बॉल लेकर चले हैं अंकित और ये बहुत तेज बॉल डॉट बॉल। असु ने यहाँ लगभग 3-4 स्कीम लगातार जीती है, इनकी बल्लेबाजी कहर भर पा रही है और एक बार सामना कराया गया है। आज देखते हैं अंकित और इसके असु के बीच मुकाबला क्या होता है, जबकि काफ़ी रन कम लेकर खेल रहे हैं 130 रन जो कि इस ग्राउंड में बहुत ही कम रन है। फील्डर जा रहे हैं पीछे, देखते हैं क्या होता है पर 4 रन। अगली बॉल और ये देखिए बहुत तेज बॉल पर वाइड बॉल, आसू बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज आए इस पिच के और अंकित काफ़ी अच्छा बॉलर है। वो देखिए कितनी तेज बॉल और ये राइट बॉल, ओवर की समाप्ति। अगली बॉल लेकर चले हैं अंकित जगरोली। इस ग्राउंड के दोनों ही अच्छे प्लेयर हैं, इनका होम ग्राउंड है दोनों का ये। अगली बॉल अंकित की बहुत तेज बॉल और कैच उठा दिया है पर फील्डर नहीं पहुँच पाएंगे डॉट बॉल। अगली बॉल लेकर चले अंकित जगरोली की बहुत तेज बॉल, यह देखे पेस से बीट किया पर बॉल खुद ही लगी है बैट पर जाकर, बॉल में कोई कमी नहीं थी पर 4 रन हो गए पर बेहतरीन गेंदबाजी थी, ये बहुत अच्छी बॉल थी। एक बार फिर से हैं अंकित असु के लिए बहुत तेज बॉल, यह बेहतरीन शॉट स्लॉट में बॉल 6 रन। एवरेज तो ठीक ठाक चल रहा है, 2 बॉल हो चुकी है तीसरे ओवर की 28 रन और ये कैच उठा दिया है पर ये नहीं हो पाएगा। ये अच्छी फील्डिंग, 4 बॉल हो चुकी है, 1 बॉल डॉट निकालने के बाद अगली बॉल लेकर चले हैं अंकित असु के लिए। ये देखिए बहुत तेज बॉल और ये कैच, कीपर कैच कैच कैच, ये बेहतरीन कैच असु का, सॉरी भाई साहब रोहित ने एक देखे बहुत, 2 कैच बहुत अच्छे ले लिए आज, इनकी कीपरिंग की तारीफ करनी होगी। दर्शक की सीधा शॉट लगाइए, ये देखिए और कितनी तेज बॉल, नहीं टच कर पाए, बहुत तेज लगी है पैर पर ये बॉल। 3 में 28 रन, 3 ओवर 28 रन, 3 विकेट, अब 7 ओवर में 102 रन, 3 विकेट पर चाहिए। और बेहतरीन वर्सेस बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ ये आंसू, ये कि इन्होंने कल 150 रन लगाए थे यहाँ पर, एक बॉलर पे 9 ओवर में लगा दिए थे। ये देखे कितना अच्छा छक्का लगाया है, बहुत अच्छा छक्का लगाया है और छक्का नहीं हुआ, ये 4 रन है। शॉट अच्छा लगा था पर 6 नहीं हुए, 4 रन हुए। अगली बॉल बेहतरीन शॉट 6 रन, थोड़ा और ये
थोड़ा हवा के कारण बैट बल्लेबाज ने बॉल छोड़ दी है, ये बॉल नहीं डेड बॉल। तीस रन हो चुके हैं, ये देखिए मोटा स्टिंग लेकर आया मेरे लिए। पहली बॉल डेड होने के बाद ये पहली बॉल स्लॉट में बोलती पर ये डॉट। भाई साहब ये पीजिए आप, मैच के बीच बीच में बड़ी एनर्जी देती है ये। अगली बॉल लेकर चले हैंक जगरुली और ये बेहतरीन शॉट, चार रन। चौथे ओवर प्रगति पर है, 42 रन हो चुके हैं। चौथे ओवर की चार बॉल हो चुकी है, बाहर से रफ्तार कहे जा रहे हैं दर्शक। ये देखे तेज बॉल और तेज बॉल बच रही है, लेंथ बॉल या तेज बॉल, अंकित की बहुत अच्छी बॉल। और ये भी मैच फ्रेंडली मैच नहीं हो रहा है, ये भी बहुत महंगा मैच हो रहा है। अगली बॉल लेकर चले हैं अंकित, अंकित की अगली बॉल देखते हैं तेज ओवर। ये देखे फिर से एक बॉल तेज बॉल, चार ओवर की समाप्ति पर 42 रन स्कोर है, 88 रन की जरूरत है जीत के लिए 6 ओवर में। अब रोज तो बहुत छक्के लगाते हैं ये बल्लेबाज, कल इन्होंने 150 रन बनाए थे 9 ओवर में। अंकित की देखे कितनी तेज बॉल और ये वाइड बॉल, अंकित एक बार फिर से चले हैं आंसू के लिए और फील्डर आज रामपुर से मंगाए हैं। अगली बॉल अंकित की बहुत तेज बॉल, ये डॉट बॉल और भोला बीच में आ गया था, वो बच्चा है भोला, वो यहाँ पर बॉल उठा कर देता है, पानी ला कर देता है, अगर उसे कोई कुछ कहेगा तो मैच रद्द कर दिया जाएगा एकदम, बहुत अच्छा बच्चा है वो। ये देखिए फिर से डॉट बॉल, तीन बॉल डॉट निकल गई है ऊपर स्टंप के बाहर, देख रहे हैं आंसू की क्या किया जाए। अब थोड़ा आराम मशीन की तरफ, ऊपर स्टंप पर लगाएंगे पैर निकाल कर शॉट। और ये देखिए तेज बॉल, फील्डर मौजूद है पर नो नहीं रोक पाएंगे, चार रन। एक बार फिर से अंकित, अंकित की अगली बॉल बहुत तेज बॉल और ये कैच उठा दिया है पर नहीं पकड़ेगा वो तो नहीं पकड़ेगा, वो तो पहले भी इसके हाथ में लगी गई थी बॉल। ये देखे छोड़ दिया कैच, बॉल से पहले ही रुक गया, मुझे तो पूरी उम्मीद थी कैच इसने जिंदगी में लिया होगा वो पहली बार, जबकि यहाँ पर बहुत अच्छे फील्डर होते हैं रोज, पर आज हमारे फील्डर ही बैटिंग कर रहे हैं। आंसू एक हमारा बेहतरीन फील्डर है, तोसीफ जो कंपेयरिंग कर रहा है वो बहुत अच्छा फील्डर है हमारा। और ये देखिए डॉट बॉल और ये अंपायर तोसीफ ने वाइड करार दिया है। पांच ओवर की चार बॉल और 40 रन देखते हैं, इस पे छक्का लगता है मुझे लग रहा है। और ये नहीं, ये डॉट बॉल हो या आउट, दर्शक कह रहे हैं कि विकेट में बॉल लगी है और हमारे खिलाड़ी आंसू कह रहे हैं कि मेरे पैर में बॉल लगी है, हम कैमरा चलाकर नहीं दिखाएंगे, विश्वास करना होगा क्योंकि ये भी हमारे साथी खिलाड़ी है, हमें विश्वास करना होगा इनकी बात पर। और हमने किया भी और मैच को वहीं से शुरू कराया, नॉट आउट माना गया है। ये अगला शॉट लगाया है वो नहीं पकड़ेगा और पकड़ लिया बॉल को। अब 5 ओवर में 84 रन की जरूरत है, एक बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ। आंसू आज पेस से घबराए हुए हैं, पेस थोड़ा कंफ्यूज कर रही है और दिक्कत में डाल रही है बल्लेबाज को। अगली बॉल अंकित की, ये देखे बहुत तेज बॉल और कैच छोड़ दिया कीपर ने, चार रन। और ये बीच में कोल्ड ड्रिंक ला के दी, देखे कितना बदतमीज आदमी, बाइक बीच में घुमा रहा है विजय, ऐसी उम्मीद नहीं थी इससे, बॉलर पसीने में है उसे कोल्ड ड्रिंक पह जा रहा है जो कि सरासर गलत है। अगली बॉल बहुत तेज बॉल और उठा दिया है, कोई फील्डर मौजूद नहीं, सीमा रेखा की तरफ बॉल जा रही है, देखते हैं फील्डर रोक पाएंगे, नहीं रोक लिया, बेहतरीन फील्डिंग। गुप्तगु चलती हुई कुछ मंत्री जी और आंसू के बीच, 80% बॉलर जाते हैं। ये अंकित, अंकित उमरान मलिक, ये है वो अंकित, ये नहीं ये विजय है, विजय ये अंकित है, ये विजय है। ये बॉलर के लिए थोड़ा कोल्ड ड्रिंक लेकर आए थे, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं मैच में, देखिए बच्चों कौन जीतता का मैच, कौन जीतता का। एक बार फिर से चले हैं अंकित की बहुत तेज बॉल, ये देखिए बच्चे कुछ कह रहे हैं, मैं आपको सुनाता हूं। बॉल मैं थोड़ा लेट आया हूं और ये बहुत तेज बॉल और सामने शॉट लगाया है, फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं, राउंड द विकेट आया है, राउंड द विकेट। थोड़ा ये पता नहीं क्यों आई है, अच्छी बॉल जा रही थी अवर्ध से और मैं कान में समझा दिया इनके, और बॉलिंग की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। बॉल बहुत तेज बॉल उठा दिया है ऊपर कैच, पर नहीं हो पाएगा, पर नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा कैच, कोई रन नहीं। और ये साइकिल वाले दर्शक है, इनसे अनुरोध है कि ये साइकिल बाहर लेकर आ जाए फील्ड से। अगली बॉल अंकित जगरौली की, ये स्लो ओवर बॉल, सामने बॉल, फील्डर मौजूद है और ये बेहतरीन फील्डिंग, ये बेहतरीन फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। ये छोटा सा बच्चा 17-18 साल उम्र है इसकी और बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहा है गौरव पाल,
ये जगरुल्ली को भरता सितारा। गोरोपाल और अगली बॉल लेकर चले हैं, स्लोवर बॉल, स्लोवर बॉल पहले ही समझ गए थे। और ये 6 रन, 3 बॉल हो चुकी है, 64 रन की जरूरत है 15 बॉल पर। यहाँ पे अंकित नहीं, जगरुल्ली का सामना 14 बॉल पर 64 रन। और ये बेहतरीन छक्का, ये बेहतरीन छक्का, 13 बॉल पर 58 रन की जरूरत है। कोई बात नहीं, अब थोड़ा कोई बात नहीं, आराम से फेंक ले। ये 6 रन और ये, और 2 ओवर में 52 रन की जरूरत है। और ये सम्मान रखते हुए अपने साथी खिलाड़ी असुका, जबकि ये इन्हें पैक कर सकते हैं 20 रन। दोस्त की बेइज्जती नहीं करनी होगी। अगली बॉल सोलो ही फेंकेगा ये देखिए, नहीं पिक कर पाए, आज थोड़ा रिदम में नहीं नजर आया यहाँ से, जबकि बहुत अच्छे बल्लेबाज है, पेस पर फंस गए। मैच एक तरफा कर दिया बॉलर अंकित उमरान मलिक ने। और यहाँ पर हमारा साथी विपिन जगरौली, जो दर्शक सभी इसकी कमेंट्री को बहुत पसंद करते हैं भाई साहब, धन्यवाद। और इतना साहस और उत्साह बढ़ाने के लिए विजय भाई, मैं आप सभी दर्शकों का, दर्शकों से यह अनुरोध करता हूं कि विपिन भाई जगरौली के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपनी राय को कमेंट में देने का कार्य करें। और आपको इसी के साथ साथ अच्छी अच्छी गली गांव की मोहल्ले की जो क्रिकेट है वो देखने को मिलेगी। ये देखिए, और ये देखिए इसी के साथ बहुत अच्छी बॉलिंग, अब लगभग 48 रन की जरूरत है 9 बॉल पर। और ऐसा लगता है कि 9 बॉल पर 8 छक्के, अभी ये मैच लगभग समाप्त हो चुका है, ये बॉलर जीत चुका है। और भाई साहब हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करो या ना करो वो आपकी इच्छा है। अब 9 बॉल पर 8 छक्के की ज़रूरत है, जो कि एक नामुमकिन हो चुका है। ये देखिए इतनी तेज़ बॉल नहीं पिक कर पा रहे हैं, और ये मैच छोड़ने को बोल रहे हैं, मैच छोड़ देना ही बेटर होगा। अगली बॉल अंकित की, ये क्या बॉल, और ये राइट कर दी बॉल, ये तो इस मैच की सबसे बैड बॉल थी। अब ये मैच है और ऐसा लगता है औपचारिकता बाकी है, अब मात्र औपचारिकता बाकी है। ये देख चुकी है, अब 6 बॉल पर 42 रन तो नहीं बनेंगे भाई साहब। ये देखिए आंसू, हट आंसू, अपनी बात पे अटका भाई, अब आंसू आंसू ये आंसू यहाँ बहुत अच्छी बैटिंग है भाई, और ये देखिए आंसू को हरा दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा बल्लेबाज है, उमरान मलिक ने आज हरा दिया उसे। एंगे भी ले ले साथ में ला लूंगा, और ये देखिए तगड़ी बैटिंग करी थी, और अच्छी बॉलिंग हुई और अच्छी बैटिंग हुई, और इसी के साथ अपना जो बॉलिंग जो बॉलर है उसके द्वारा अच्छा प्यार, बहुत अच्छी बैटिंग करी। और ये देखिए हमारे डॉक्टर साहब आए हैं, और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों से यह और यह अनुरोध करता हूं कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, और अपना नंबर मैच खेलने के लिए कमेंट में अपना संपर्क करें।